नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। पेट्रोल डीजल पर कमीशन बढ़ाने को लेकर तेल कंपनियों के विरोध में आज देश भर के करीब 70,000 पेट्रोल पंप सामने आए। इन पेट्रोल पंपों के मालिकों ने 31 मई को तेल विपणन कंपनियों से पेट्रोल और डीजल नहीं खरीदने की घोषणा की है। पंप मालिकों का कहना है कि पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी के बाद पेट्रोलियम कंपनियां भारी मुनाफा कमा रही है, लेकिन डीलरों के कमीशन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। हिमाचल प्रदेश में शिमला में पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत मजबूरी में दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाता, आज भारत मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। रिकॉर्ड निवेश एक्सपोर्ट हो रहे हैं। अपनी सरकार के 8 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में रोड शो किया और कई विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ साथ एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। भारत और पाकिस्तान के स्थायी सिंधु आयोग को 2 दिनों की सालाना बैठक मंगलवार को अंतिम दौर में समाप्त हुई। दोनों पक्षों ने इसमें सकारात्मक रुख दिखाया है। आयोग की यह 118वीं बैठक है। ये बैठक 1960 में हुई सिंधु जल संधि के तहत हर साल होती है। सोमवार से शुरू हुई इस साल की वार्ता में भाग लेने पाकिस्तान से एक महिला अधिकारी समेत 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल दिल्ली आया है। दोनों देश इस वार्ता को अनिवार्य मानते हैं, इसलिए मौजूदा गतिरोध के बावजूद ये ठप होने से बच गई। देश में कोरोना मामलों में एक दिन बाद फिर से गिरावट देखने को मिली है। कई दिनों से कोरोना के नए मामलों में एक ही ग्राफ देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में 2706 नए कोरोना केस सामने आए हैं। हालांकि एक्टिव मामलों में इजाफा देखने को जरूर मिला है। एक्टिव केस अब 17,698 पर पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिमला में रोड शो के दौरान सड़क किनारे खड़े लोगों ने फूल की बारिश की। हालांकि प्रधानमंत्री सुरक्षा कारणों से खुली गाड़ी में सवार नहीं हुए। गाड़ी के अंदर बैठकर ही पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। सीटीओ चौक से नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हुआ। सुरक्षाकर्मी वाहन के चलते साथ देखे गए और लोगों ने फूल बरसाकर नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। कद्दावर नेता और जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के संस्थापक और वरिष्ठ नेता भीम सिंह का जम्मू में निधन हो गया। उन्होंने आज सुबह जम्मू में अंतिम सांस ली है। 80 साल के भीम सिंह काफी समय से बीमार चल रहे थे। जम्मू कश्मीर के नेता सज्जाद लोन ने भीम सिंह की मौत पर दुख व्यक्त किया है और सज्जाद ने ट्वीट में लिखा कि एक व्यक्ति जिसके कई रोल है, कालातीत निस्वार्थ और एक धर्मयोद्धा, वो मेरे पिता के सहयोगी और मित्र थे। ग्लोबल मार्केट में कमजोर संकेतों के चलते मंगलवार 31 मई 2022 को भारतीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर जून वायदा सोना का भाव 0.09% प्रति 10 ग्राम गिर गया, जबकि जुलाई वायदा चांदी की कीमत 0.73% प्रति किलोग्राम टूट गई। इस साल भारत में सोने के दाम 1,000 रुपये कम हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंगलवार को गरीब कल्याण सम्मेलन नामक कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत का प्रसारण त्रिपुरा के 3 जिलों में नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहां चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू है। 4 विधानसभा सीट अगरतला, टाउन बार दोबाली, सुरमा और जुबराजनगर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 23 जून को होंगे। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत ही जरूरी खबर है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के 18 महीने के फंसे डीए एरियर को लेकर बड़ी जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के अटके हुए डीए एरियर को लेकर एक बार फिर से अपना पक्ष साफ किया है। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से साफ और स्पष्ट कहा कि जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक के बीच में रुके हुए डीए के एरियर पर कोई विचार नहीं किया गया है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का 9 जून से आगाज होगा, जिसके लिए भारतीय टीम 5 जून को दिल्ली में इकट्ठा होगी। वहीं मेहमान साउथ अफ्रीका 2 जून को भारत पहुंचेगी। सीरीज का पहला मैच 9 जून को दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। गलवान झड़प हो या फिर डोकलाम विवाद, हम हर वक्त भारतीयों का गुस्सा चीन के खिलाफ ही फूटता है, लेकिन हम इस सच्चाई से भी मुंह नहीं मोड़ पाते हैं कि भारतीय सीमा में घुसपैठ करने वाला और पाकिस्तान को शह देने वाला चीन ही हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी भले ही अब हुई हो, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह आशंका 22 जनवरी को ही जता दी थी। उन्होंने डिजिटल प्रेस वार्ता में कहा था कि सूत्रों से जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करना चाहती है। 5 राज्यों में चुनाव को देखते हुए जांच एजेंसियां सक्रिय है और पंजाब चुनाव के मतदान के कुछ समय बाद केंद्र सरकार सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करवा सकती है। पटना के कच्ची दरगाह से अनिसाबाद के बीच एलिवेटेड सड़क का निर्माण कराया जाएगा। बिहार की यह सबसे बड़ी एलिवेटेड सड़क होगी। 4 लेन में बनने वाली यह सड़क 15 किलोमीटर की होगी। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने सोमवार को सड़क परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की। इस बैठक के बाद यह जानकारी दी गई है। इस परियोजना में केंद्र में यह है कि इस स्ट्रेच में ट्रैफिक का बड़ा बोझ है और सर्वे के अनुसार एक दिन में 12,000 से 15,000 वाहन इस रास्ते से गुजरते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि अनिल देशमुख बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर जल्द ही सुनवाई के लिए अर्जी दाखिल कर सकते हैं।
रूस के ग्राज़प्रोम एक्सपोर्ट ने कहा है कि वो नीदरलैंड ऊर्जा कंपनी गैस्टेरा के रूबल में भुगतान करने से इनकार करने के कारण मंगलवार से गैस की आपूर्ति रोक देगा। स्थानीय मीडिया ने सोमवार को ग्राज़प्रोम एक्सपोर्ट का हवाला देते हुए बताया है कि सोमवार को कार्य दिवस के अंत तक अनुबंध में उल्लेखित भुगतान की समय सीमा ग्राज़प्रोम एक्सपोर्ट को अप्रैल आपूर्ति की गई है और गैस के लिए गैस्टेरा से कोई भुगतान नहीं मिला है। पीएम मोदी ने 30 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना काल में माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए पीएम केयर्स योजना के तहत लाभ की जानकारी दी है। इस कार्यक्रम में भागलपुर जिले के सुल्तानगंज से एक और नगर निगम क्षेत्र के मुंदीचक के दो अनाथ हो चुके बच्चे शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से बात करते हुए कहा है कि बच्चों को जब भी कोई मानसिक रूप से परेशानी हो वो संवाद हेल्पलाइन पर बात कर सकते हैं। उनकी परेशानी को मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ दूर करेंगे। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने अपने यूक्रेनी समकक्ष व्लोडिमिर जेलेंस्की को सूचित किया है कि यूक्रेन के कृषि उत्पादों के समुद्र निर्यात के लिए एक सुरक्षित गलियारे के निर्माण की पहल तुर्की के लिए महत्वपूर्ण है। बयान के अनुसार दोनों नेताओं ने सोमवार को यूक्रेनी संघर्ष में हाल के घटनाक्रमों का भी समीक्षा किया। रिपोर्ट के अनुसार तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने हाल कहा है कि उनके देश ने यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत जारी रखने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं और उनकी सरकार मध्यस्थता सहित हर संभव सहायता की पेशकश करने के लिए तैयार है। गुजरात पंचायत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर के पदों पर बंपर वैकेंसी जारी हुई है। इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया आज बंद हो जाएगी। गुजरात में सरकारी नौकरी पाने का यह शानदार अवसर है। इस वैकेंसी के माध्यम से मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर के कुल 1866 पदों पर भर्तियां होंगी जिसमें आवेदन करने के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार को ऑफिशियल वेबसाइट gpssb.gujarat.gov.in पर जाना होगा। पूर्व विदेश सचिव श्याम शरण ने सोमवार को कहा कि यूक्रेन की लड़ाई रूस हार गया है और क्योंकि युद्ध खत्म होने तक वो किसी तरह के तर्कसंगत उद्देश्य हासिल नहीं कर पाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि चीन ने मॉस्को पर गलत दाव लगाया है। अपनी नई किताब हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड के विमोचन के बाद चर्चा में भाग लेते हुए शरण ने कहा है कि रूसियों के साथ दाव लगाना मुझे लगता है कि चीन के लिए गलत हो गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई यानी कि आज पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त जारी करते देखे गए। करीब 10 करोड़ से अधिक किसानों को 20,000 करोड़ रुपए जारी कर दिया गया है। ये धनराशि आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत गरीब कल्याण सम्मेलन में जारी किया गया। सैफ अली खान और उनकी पूर्व पत्नी अमृता सिंह के बच्चे सारा अली खान और इब्राहिम अली खान बड़े हो चुके हैं। सारा तो एक्टिंग की दुनिया में अपने नाम का झंडा लहरा चुकी है। अब उनकी एक्टिंग के लाखों करोड़ों दीवाने हैं। वहीं उनके छोटे और लाडले भाई इब्राहिम भी एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार है। कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म भूल भुलैया 2 की सफलता को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हॉरर कॉमेडी ड्रामा भूल भुलैया 2 बॉक्स ऑफिस पर विजेता बनकर उभर रही है और फिल्म ने महज 9 दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। अनीस बज़मी द्वारा निर्देशित भूल भुलैया 2 बॉक्स ऑफिस पर अब तक कुल 128.24 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है। भूल भुलैया 2 के सुपर सक्सेस के बाद बड़ी खबर आने लगी कि कार्तिक आर्यन ने अपनी फीस में इजाफा कर दिया है, लेकिन कार्तिक आर्यन ने इन सभी बातों का खंडन किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये सभी बातें बेवजह है। बेकाबू महंगाई पर लगाम लगाने के लिए रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को बढ़ाना शुरू कर दिया है। मई में एमपीसी की आपात बैठक में रेपो रेट बढ़ाने के बाद जून में नियमित बैठक होने वाली है। जून की बैठक में भी रेपो रेट बढ़ाए जाने के पूरे अनुमान है। जानकार मानकर चल रहे हैं कि रिजर्व बैंक जून की बैठक के बाद भी रेपो रेट को बढ़ाना जारी रखेगा। इस बीच महंगाई को काबू करने के लिए केंद्र सरकार ने डीजल पेट्रोल समेत कई चीजों पर ड्यूटी घटा दी है। सीमा सुरक्षा बल की तरफ से 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए वैकेंसी जारी हुई है। बीएसएफ में सरकारी नौकरी पाने का ये शानदार मौका है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 282 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। ये भर्तियां बीएसएफ वाटर विंग ग्रुप बी और सी में की जाएंगी। ऐसे में जो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट recett.bsf.gov.in पर जाना होगा। आज के दौर में डिजिटल दुनिया में सब कुछ ऑनलाइन मंगवाने की सुविधा मिल रही है। कुछ भी खरीदने के लिए बाजार जाना जरूरी नहीं है क्योंकि आज कोई भी चीज़ घर बैठे मंगा लेते हैं। जब बात सेहत की होती है तो इसमें कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। इसीलिए ऑनलाइन दवाई मंगवाने के समय नकली दवा की खरीदारी करने से बचे, इसलिए भरोसेमंद वेबसाइट से ही दवा को खरीदना चाहिए। रूस से तेल आयात को काफी ज्यादा कम करने के यूरोपीय संघ के फैसले के बाद से भारतीय विदेश मंत्री पूर्वी यूरोप के दौरे पर रवाना हो गए हैं। यूरोपीय संघ ने साल 2022 के अंत तक रूस से तेल आयात में 90% की कटौती करने का फैसला लिया है और यूरोपीय संघ के इस फैसले के बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर यूक्रेन युद्ध के जमीनी स्तर पर आकलन के लिए बुधवार रात पूर्वी और मध्य यूरोप के लिए रवाना हो गए हैं।
यूक्रेन रूस जंग थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस ने यूक्रेन के समुद्री बंदरगाहों को बंद कर दिया है, जिससे वो 2.2 करोड़ टन अनाज निर्यात नहीं कर पा रहे हैं। जेलेंस्की ने मंगलवार रात दिए एक वीडियो संबोधन में कहा कि रूस के इस कदम से यूक्रेन से पहुंचने वाले अनाज पर निर्भर देश में भुखमरी का खतरा बढ़ गया है और एक नया प्रवास संकट उत्पन्न हो सकता है। कोरोना महामारी से अभी पीछा छूटा ही नहीं कि नई बीमारी का प्रकोप दुनिया में शुरू हो गया है। इस नई बीमारी का नाम है मंकी पॉक्स। पिछले कुछ दिनों से दुनिया के कई देशों में नई बीमारी मंकी पॉक्स के मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण महामारी के बाद मंकी पॉक्स के मामले में बढ़त देखते हुए इसे ही अगली महामारी होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐसा मानने से इनकार कर दिया है। देश में जारी आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका भारत के साथ ईंधन आयात के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एक और क्रेडिट लाइन के लिए बातचीत कर रहा है। डेली मिरर की रिपोर्ट के अनुसार इस मुद्दे पर तब चर्चा हुई जब भारत में श्रीलंका के उच्चायुक्त मिलिंडा मोरो गोडा ने पिछले हफ्ते भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से मुलाकात की। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य गवाह, उसके दोस्त गुरविंदर सिंह जो अपराध के समय कार में थे, उन्होंने कहा है कि उन्होंने रविवार को बुलेट प्रूफ कार ले जाने पर जोर दिया। घटना में घायल हुए गुरविंदर सिंह का लुधियाना के डीएमसी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसने कहा कि मैंने उसे रविवार को बाहर जाते समय बुलेट प्रूफ कार ले जाने के लिए कहा था, लेकिन वो कॉम्पैक्ट एसयूवी थार लेकर जाना चाहता था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है गुप्ता, राजू कुमार रॉय, आई एम वजाहट, राजकुमार प्रसाद, कल्याणी चौधरी, ओम प्रकाश कुमार, पम्मी यादव, बिंटी यादव, आलोक कुमार, राहुल कुमार, कुणाल कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार सिद्धू मूसेवाला मामले में हुई सुरक्षा चूक के बाद क्या मान सरकार को सभी वीआईपी की वापस ली गई सुरक्षा को वापस से बहाल कर देना चाहिए या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।